नाज़रीन, फाइनली हम लोग पहुँच गए माहिम दरगाह पे। और ये जो आप रोड देख रहे हो ना, एक तो ऑफ सीज़न में अगर आओगे तो संडल का टाइम चालू है, लेकिन ऑफ सीज़न में आओगे तो ये पूरा रोड है खाली है। लेकिन रोड के बीच में लग गई है पूरी मार्केट और सिख कबाब, पराठा, खाने पीने की चीज़, पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों के खिलौने, एक से एक चीज़ें, सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं सरकार की बारगाह में सलामी देने के लिए, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह आपको सारे मंजर यहाँ के दिखाऊंगा। तो स्टे वॉचिंग। मेरा दिल बदल दे बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे रास्ता तू दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा। आज हो गई ज़ियारत मुकम्मल। बहुत खूबसूरत मंजर था अंदर दरगाह शरीफ का। अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, बाहर के मंजर आपको दिखाता हूँ कि बाहर का माहौल कैसा है। लेकिन अभी हम निकल गए दरगाह के बाहर, और दरगाह के बाहर रोड पे एक बहुत बड़ी LED TV लगी है, जिसमें लाइव मजार शरीफ की ज़ियारत कराई जा रही है। तो मैं भी आपको लाइव मजार शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ। नाज़रीन, देखा आपने कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का मंजर, और खुशबू आ रही है सिख कबाब की। चाचा कितने की है? 70 रुपया पाव किलो। 1 किलो 280। ये आपने बनाया क्या से? मार्केट से? यूपी का। अच्छा, ये यूपी का है। ये यूपी का है, इसको क्या बोलते हैं? आम की। ये कच्ची कैरी की बनती है, बचपन में मैं बहुत खाता था। मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ क्या? तो नाज़रीन माशाल्लाह, जब ज़ियारत में कर रहा था, ये भाई मेरे हम नाम है, इनका भी नाम हज कर है माशाल्लाह, हाजी मोहसिन भाई इनका नाम है। और माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी, मैं तो एकदम बच्चा लग रहा हूँ इनके आगे। और भाई ने देखते के साथ ही पहचान लिया मुझे,
कैमरे से और उड़न वाली वीडियो ना उड़न वाली वीडियो से भाई ने मुझे पहचाना और उड़न से माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पहचान लिया। तो ये भाई चैम्बूर से पैदल आते हैं बाबा मखदूम सरकार के दरबार में और अभी संदल लेकर आएंगे इंशाल्लाह, नाच पानी महफिल कराते हैं इंशाल्लाह, शाही संदल लेके आएंगे इंशाल्लाह। कुछ बोलो ना अपनी हमारे व्यूअर्स को। मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा भाई, मैं बहुत से सब्सक्राइबर लोगों को देखता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहसिन भाई के इसमें मैंने ऐसी कश्मकश देखा हुआ है कि मैंने इनको दरगाह में अभी मैंने देखा, मखदूम शाह बाबा में मैं बैठा था, तो जब इनको देखा तो मैंने देखा कि इनके हाथ में कैमरा मिला, ये हो ना हो ये हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब वाले ही है। मेरे को इनको नाम मेरा इनका नाम मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि मेरा भी नाम मोहसिन है, तो तब मैंने भाई को आवाज़ दिया मोहसिन भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ ये हूँ, फिर मैंने फिर बात चालू किया, फिर माशाल्लाह पता चला भाई भी दरगाहों के इसमें बहुत रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मखदूम शाह बाबा से तो हमारा बहुत सालों से हम यहाँ हर जुमेरा चलकर ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो हम लोग सबसे पहले बाबा मखदूम के दरबार में आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बस बाबा मखदूम की निगाहें करम रहे आप पर मेरे पे जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनके ऊपर। तो मुंबई में रहने वाले हैं तो यार जाहिर सी बात है सुल्तान के दरबार में आना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, बस बहुत खुशी हुई माशाल्लाह मोहसिन भाई से मिल के और मेरे को भी बहुत खुशी हुई भाई, वाकई में दिल से खुशी हुई, बताओ कब आया, बहुत खुशी। लो भाई यहाँ भी मिल गए हमें सब्सक्राइबर्स और चौथी पाँचवीं बार मैं आया, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मिला। कल हम लोग आए थे तो कितने लोग मिले थे, 5 या 6 लोग मिले सब्सक्राइबर्स और ज़्यादातर तो हमारी माँ और हमारी बहनें मिलती हैं। एक भाई देख रहे हैं शायद ये भी मुझे पहचानते हैं लगता कैमरा ही है, वीडियो ले जब भी मैं आया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मिलता ज़रूर है। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ जो जिसके देखते ज़्यादा ही मंजर एकदम मुँह में पानी आ जाएगा, करीब लेके जाता हूँ। ये तेल है अच्छा जी, मुरादाबाद अपना गांव है। हेलो, हाँ हाँ तो फ्री में बात हुई ये जो बनती है इसकी क्वालिटी ये है कि गैस पे बनती है, वो जो बनता है वो लकड़ी पे बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए और वो प्रॉपरली वो ही इमरजेंसी से दोनों अलग अलग वो की थोड़ा यहाँ से माता पूरा हमारा तो ये धंधा ये वाला ये जो है ये जो सुभानअल्लाह होटल का जो मैंने आपको वीडियो क्लिप बताया हलवा पराठे का, माहिम का फेमस हलवा पराठा, तो माशाल्लाह ये हमारे मोहम्मद अजीम भाई जो मुझे देखते के साथ ही पहचान गए, इमामी के टूटे हुए वीडियो देखी बांधने का जो भी कब दिखे थे जो हफ्ता हो गया उससे पहले मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने आपकी आपका चेहरा देखा तो पहचान नहीं किया इसलिए मैंने मुलाकात करने के लिए बुलाया। तो ये वीडियो में नहीं आ रहे थे लेकिन मेरी खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अभी जो भी मिला सबने आप देख रहे सब के सब आ गए वीडियो में। तो 49 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अजीम भाई को हो गए हलवा पराठा जो है वो लगाते उर्स के टाइम पे, और नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह 50 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये
अजय भाई बैठे साथ में। नाज़रीन ये चिकन रोल है मोहम्मद अजीम भाई साबरी का, जो मेरे साथ भी है भाई, इन्हीं का फेवरेट है, तो मुझे उन्होंने टेस्ट करवाया। हलवा पराठा और ये बहुत सारे आइटम यहाँ पे, मायन में सिख पराठा और सिख कबाब और रायता रोल टेस्ट करके देखते हैं। बैठा था इनके होटल में और चिकन रोल खा रहा था। तो जाते जाते एक भाई और मिल गए, अभी जा रहे थे और काफ़ी गौर से मुझे देख रहे थे। सबसे पहले वीडियो कौन सी थी? तो नाज़रीन सबसे पहले इन्होंने हाजी मलंग की, हाजी मलंग जो हम लोग गए थे दरगाह, मैं अकेला जो गया था, पार्ट वन पार्ट टू दोनों, फिर उसके बाद में औरंगी भी आपने देखी बालिशाह। तो इनका नाम भाई का नाम शाहनवाज भाई है माशाल्लाह। जितने भी लोग मोहब्बत करते हैं ना, वल्ला मैं बात बता रहा हूँ, मेरी ज़ात कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। ये जो भी है, जो इज्जत है, ये सब वलियों का फैज़ है, जो सारे वलियों के दरबार में मैं जाता रहता हूँ। अभी तो पूरी दुनिया का सफ़र करना है, याद रखो डैडी। नाज़रीन ये पहली मेरी वाहिद ऐसी वीडियो होगी कि जिसमें मैं सब खाने पीने का बता रहा हूँ, और बाकी जो आपने देखा है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी और इमाम शरीफ की ट्यूटोरियल और दरगाह के ब्लॉग। ये माहिम दरगाह का ओर से अल्हम्दुलिल्लाह बाबा मखदूम सरकार का। तो यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, हलवा पराठा जो कि पहलवान होटल है, नाम माहिम दरगाह का फेमस हलवा पराठा, सिख पराठा, खिचड़ा, पुलाव भी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आप अजीम भाई को देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके भाई का, सब सारे भाई मिलके ये होटल को चलाते हैं। ये आज जो है ये तो दूसरा दिन है, अब शायद आप देख रहे हो तो वो पता नहीं कौन सा दिन हो, लेकिन ये जो मैं आया हूँ वो दूसरा दिन है। तो 10 दिन तक का यहाँ पे मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, तो बहुत मज़ा आता है। और चलिए आइए देखते हैं आगे क्या क्या है। नाज़रीन माहिम दरगाह आए और माहिम दरगाह का हलवा पराठा ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। हलवा पराठा माहिम दरगाह का फेमस है। सुभान अल्लाह होटल, ये चचा देखो, क्या नाम है चचा का? आसिफ हुसैन चचा, मोहम्मद खलील। सुभान अल्लाह होटल है और देख सकते हो आप हलवा पराठा यहाँ का जो फेमस बोलते हैं ना माहिम दरगाह का। कितने रुपये किलो है? 160 का पाव किलो। हर साल उसमें ऐसे लगाते हैं ना, बड़े 20 रुपये का पाव किलो। अच्छा, पाव किलो 40 रुपये, आधा किलो 80 रुपये। अच्छा, हर साल उसकी रौनक यहाँ की माहिम दरगाह की अलग होती है एकदम बिल्कुल, और देखने लायक का मंजर होता है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। सब पे गर्म है, मुंबई में रहने वालों पर, हर बच्चे पर, बाबा मखदूम सरकार का गर्म है क्या? अब सलीम भाई जो माहिम दरगाह का फेमस शोरमा, KGN शोरमा, ये हमारे भाई KGN शोरमे के ओनर हैं हमारे सलीम भाई। तो माहिम दरगाह का 3 से 4 चीज़ें फेमस है, एक तो बाबा फालूदा और एक KGN शोरमा और एक हलवा पराठा और खिचड़ा। लोग आते हैं, खाते हैं,
बताएं अपने व्यूअर्स को मेरे बारे में कुछ। ये हमारे मोहसिन भाई हैं माशाल्लाह, ये बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे और काफ़ी अरसे से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी मिलते हैं मखदूम सरकार की बारगाह में, ये हमारी दुकान पे भी आते हैं शावरमा खाने के लिए और काफ़ी दरगाह शरीफ पे भी मिलते रहते हैं, साथ में बैठते हैं, नाज शरीफ वगैरह बहुत अच्छी पढ़ते हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत नाम है माशाल्लाह, इनको बहुत सारे लोगों की दुआएँ हैं और बहुत सारे लोग इनको याद करते हैं मखदूम शावा के करम से। ये दरगाह शरीफ पे भी आते हैं तो नाज सलाम वगैरह पढ़ते हैं और यहाँ माहिम के मज़े लेने के लिए आते हैं। मेले में भी देखो बिल्कुल माशाल्लाह माहिम का मेला घूम रहे हैं मोहसिन भाई। नहीं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये व्यूअर्स की आप लोगों की ये जो रिक्वेस्ट थी कि मोहसिन भाई और मखदूम शावा का दिखाओ, तो बस आ गया मैं। और अभी सलीम भाई का शोरमा यहाँ का बहुत फेमस है, कभी भी आना माहिम दरगाह तो खाना ज़रूर। खबूस कितने का? खबूस 90 रुपीज़ का फिलहाल, 90 रुपीज़। पाव वाला जो है 70 रुपए का है, पाव वाला 70 रुपए का है, रोटी वाला 80 रुपए का है, रोटी वाला 80 रुपए का है। कुछ डिस्काउंट? डिस्काउंट की तो बात नहीं, इसे अपनापन समझ के चलिए, इंशाल्लाह अपनापन का एहसास हो जाएगा खाने के बाद। मजाक कर रहा था लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं माशाल्लाह, खाने के बाद में काफ़ी तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, लेकिन बहुत शायद आप भी इंशाल्लाह खाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आइए कभी इंशाल्लाह ताला। जरूर 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 आना। लिबनानी शोरमा अभी मैं बोर्ड दिखाऊँगा आपको, देख लेना। और शोरमा किस तरह से ये लोग भाई लोग बनाते हैं वो भी दिखाऊँगा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है शोरमा। सलीम भाई बना रहे हैं शोरमा, माहिम का फेमस शोरमा, केजीएन। और ये छोटे भाई हैं आप सलीम भाई के ना? बड़े बड़े बड़े। अच्छा सलीम भाई थोड़ा दिखाओ तो सही, अपने में ही बना रहे हो तुम? हाँ बन गया मोहसिन भाई। अब ये भाई डालेंगे इसमें चिकन, ये अरेबियन डिश है फेमस, ये मायोनीस, ये बन गया खबूस। अजहर भाई तो दो शोरमा है बाजू बाजू में, लेकिन अपना केजीएन शोरमा यहाँ का फेमस है। ये देखो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये अजहर भाई बना रहे हैं शोरमा केजीएन माहिमी लिबनानी डिश, माहिम की स्पेशल डिश है। आप सब आएंगे इंशाल्लाह ताला, अजहर भाई के हाथ का शावरमा खाने मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अजहर भाई कितने साल हो गए माहिम में शोरमा बनाते बनाते? 10 साल। 10 साल ये हमारे उस्ताद है, हम तो कभी कभी बनाते। अच्छा अच्छा, ये दुबई में थे 30 साल माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने अपने को सिखाया। तो फेमस कैसे हो गए? अच्छी सर्विस रखे, कंटिन्यूस सर्विस और कंटिन्यूस अच्छा प्रोडक्ट रखने से आप एक जगह स्टेबल होकर बिजनेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ फेमस हो जाती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा तो ये है मखदूम सरकार, मखदूम सरकार की नगरी है, मखदूम बाबा की नगरी में रह के ईमानदारी से काम करना शर्त। बिल्कुल, क्वालिटी और क्वान्टिटी टेस्ट हर चीज मेंटेन। तो नाज़रीन जब भी आना केजीएन लिबनानी माहिम चिकन शोरमा। कैसा लगा मौसम शोरमा हमारे यहाँ? माहिम का फेमस शोरमा है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, एक नंबर है। और ये माहिम का फेमस शोरमा ऐसे ही बना, हम अपने दरगाह तो गर्म है लेकिन भाई लोग की मेहनत भी है। बहुत नाज़रीन शोरमा खाते खाते दो भाई ना, दो भाई और मिल गए। बताओ भाई क्या देखा था तुमने मेरे बारे में जो सुनता है? बस अच्छा लगता है, सबसे पहला वीडियो कौन सा देखा? माशाल्लाह तरक्की पे हम लोग। क्या नाम है आपका? सैयद अरमान। दोनों भाई हैं क्या? माशाल्लाह सैयद साहिल, सैयद अरमान। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पेट खा खा के इतना भर गया, पेट भर गया बहुत ज़्यादा पेट भर गया,
माहिम का जो फेमस जो चीज़ है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो केजियन शोरमा जो हम लोगों ने खाया, केजियन अच्छा केजियन शोरमा के जस्ट बाजू में बिस्मिल्लाह जो सेंटर है, आप लोगों का है भाई, क्या नाम है आपका? रियान भाई। आपका? रियान भाई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जो सेंटर, कसम से आज शायद मुंबई में जो रहने वाले हैं वो आए होंगे, कभी टेस्ट किए होंगे। दो फ्लेवर मिलते हैं, एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर। कसम से पेट भर गया खा खा के, और इतने लोग मिले बेहसम। तो टेस्ट कराएंगे आप? अपने हरीफ भाई है अभी माइक तो देखा भाई, नहीं तुम दो फिर पकड़ देना। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्हीं का है, हरी भाई का फेमस है, और भी होते हैं और बहुत फेमस है इधर का मैंगो एप्पल वाटर में। तो नाज़रीन अभी हर साल मुहर्रम में हम लोग शरबत बनाते हैं, तो इस साल मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँ। हाँ तो मैं इनसे कॉन्टेक्ट करूँगा मुहर्रम में और इनसे बनवाऊँगा। शेरू भाई की सीख लेना, और यहाँ की माहिम की सब में स्पेशल स्पेशल डिश है। माहिम बिस्मिल्लाह जूस, हलवा पराठा, जल मिठाई, सुमान सुमान, भावा फलूदा, ये सब माहिम की सब पुरानी फेमस डिश। बहुत सारी अभी आगे और लाइन से जाते जाते एक से एक फेमस चीज़ मिलेगी। तो ये एप्पल फ्लेवर है ना, मैंगो भी है, मैंगो भी है और एप्पल भी है। तो मैंगो है, मैंगो है, तो चलिए पीते हैं, ये लीजिए भाई। कसम से फ्रेश हो गया सीना, एकदम ठंडा हो गया। मैंगो फ्लेवर मेरा फेवरेट है, और ऐसा लग रहा था जैसे आम, हम लोग रियली आम खा रहे हैं। मैं तारीफ नहीं, हकीकत है ये। और बिस्मिल्लाह जो सेंटर अल्लाह के नाम से शुरू, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो देख सकते हो आप, कभी भी आओगे ना तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रश आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब खाली रहता है, कोई ना कोई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, और ये तो बाबा मखदूम सरकार का यहाँ पे उर्स है, तो और ज़्यादा रौनक लग रही है। मैं आपको अभी पूरा मंजर इनकी शॉप दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह जो सेंटर, तो कितने साल हो गए करते करते? 45 ईयर्स हो गए। तो फेमस कैसे हुआ? फेमस बस पब्लिक ने की, अच्छा न्यूज़ थी जैसी है। फेमस यारी पे रिहान भाई है, यारी भाई है। बिस्मिल्लाह जो सेंटर इसका प्राइस भी बता दीजिए, कितने कितने का है? हाफ लेंगे तो, हाफ लोगे तो 15, फुल लेंगे तो 25 रुपीज़ ऐसा बता। लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, सब पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। 6:30 बजे हम लोग यहाँ पे टच हुए थे, 10 बज रहे हैं। कसम से इतना लंबा ब्लॉग हो गया, खाना पीना हो गया, ब्लॉग हमारा कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ। वो तो हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि लोग जाने नहीं दे रहे थे, फिर भी जो है आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस जा रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ। बहुत ज़्यादा अभी रश हो गया, आते टाइम तो इतनी गर्दी नहीं थी, लेकिन अब जाते टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हम जा रहे हैं, पब्लिक आ रही है। चलो 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 चलो, रुक जाओ। हमने रोड क्रॉस, नाज़रीन आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। माशाल्लाह मखदूम सरकार का और स्टार्ट हो गया, और आज दूसरा दिन है। 10 दिन तक का यहाँ पे ऐसी चहल पहल, लोग कहते हैं कि 10 दिन माहिम की ईद होती है। बेशक ईद से कम कुछ यहाँ का मंजर नहीं लग रहा था, और लोगों ने मुझे इतना खिलाया, फैजान भाई को इतना खिलाया कि हमारा पेट बिल्कुल भर गया। खिलाया तो खिलाया सही, घर वालों के लिए, अम्मी के लिए, घर वालों के लिए उन लोगों ने पार्सल भी दे दिया, और इतने लोग मिले बेहिसाब के, और लेडीज़ भी मिली, लेकिन मैंने उन लोगों को वीडियो में नहीं लिया, सलाम दो वही बस। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक नाम नीचे आ रहा होगा, फैजान भाई का भी जो है नीचे, शाहिद भाई का भी है, सारी की सारी डिटेल। जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 1 लाख तो हो गए, अब हमारा मिशन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने का।
तो आई होप, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।